हेलो, आ गए हैं हम फिर से एक और मीशो की वीडियो लेके। और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने जो प्रोडक्ट इंक्लूड किए हैं वो सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके के हैं। यूनिक इसेंशियल गैजेट्स हैं जो कि आपने शायद ही किसी की वीडियो में देखे होंगे, लेकिन मीशो पर ज़रूर देखे होंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये यूज़फुल है कि नहीं है, क्या जितना यूज़ इनका बताया है वो आते हैं कि नहीं आते। तो मैंने यहाँ पर मंगा लिए हैं, मेरे पास 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट को मैं यूज करके भी दिखाऊंगी ताकि समझ में आ जाए कि यूजफुल है कि नहीं। और एक बहुत जरूरी बात कि जो प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगाए हैं, सेम प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स में रिटर्न अवेलेबल भी नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मीशो पे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है और रिटर्न अवेलेबल भी है। और देखना चालू करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट से। लेकिन इससे पहले, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। देखना चालू करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट से। और जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती जाऊंगी सबकी प्राइस मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, क्योंकि एक एक का प्राइस मैं मोबाइल में देखकर बताऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं प्रोडक्ट यहाँ दिखाती जाऊंगी और प्राइस आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। किसी का भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 300-350 से सब नीचे ही हैं सारे प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले जो प्रोडक्ट है उसका पिक्चर देखो, ये है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइटर है। जैसे कि कई कैंडल्स वगैरह होती हैं जो थोड़ी सी डीप होती हैं, उनको माचिस से या फिर वो वाले लाइटर से चलाते हैं तो हमारा हाथ जलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, या फिर जैसे आउटडोर में हम वो माचिस की तीली या वो वाले लाइटर यूज़ करते हैं तो हवा के कारण वो बुझते हैं, तो उन सब के लिए हम ये वाला लाइटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये है वो लाइटर, इस तरीके से ना, इसमें ये वाली जो चीज़ है ना, इसी काफ़ी अच्छे से रोटेट हो जाती है, ये ऐसे पूरी डाउन हो जाती है, पूरी इस तरीके से, इस तरफ भी हाफ रोटेट भी हो जाती है यहाँ से। और इसमें एक यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे रखा है तो ये चार्ज होता है, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार चार्ज करके हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोई भी चीज़ बहुत आसानी से जल जाती है। मैं आपको इसका यूज़ करते हुए भी साइड में एक क्लिप लगाऊंगी, आप उसको देख लेना ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कितना अच्छे से यूज़ हो रही है। यहाँ पर इसको चार्ज करेंगे, यहाँ पर इसमें चार पॉइंट दे रखे हैं कि अभी तक हमारा ये वाला लाइटर कितना चार्ज हो गया है। अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो ये चारों लाइट ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन दे रखा है ये वाला, और इसको जब भी हम इस लाइटर को यूज़ करेंगे तो इस वाली बटन को दबा कर रखेंगे। तो देखो ये कुछ यहाँ से है और ये इसमें से बिजली निकलती है, बीच में से दिख रही हो तो, जिससे कि कोई भी चीज़ हम आराम से जला सकते हैं। उल्टी तरफ से इसको मैं जला के दिखाती हूँ, जलती है कि नहीं। बहुत जल्दी जल जाती है। उल्टे तरफ से चलाइए, सीधे तरफ से इसका ये वाला है। तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, ये सिर्फ 350 का है ये, और शायद उससे भी कम का है। आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इसको खरीदने में कोई भी घाटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास ये डक टेप है। इसकी वीडियो तो सब ने देखी होगी, शायद ही कोई हो जिसने इसकी वीडियो ना देखी हो। जैसे पाइप फटता रहता है या फिर किसी टंकी में छेद हो जाता है तो उसके ऊपर ये टेप लगा देते हैं और एकदम बिल्कुल पानी आना एकदम 100% बंद हो जाता है। तो ये वही वाला टेप है। इसका प्राइस मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मीशो पर मिल गया। देखो कुछ कुछ चीज़ ऐसी अफोर्डेबल में मिल तो जाती है लेकिन वो दिखती पे वैसे ही है जैसे ओरिजिनल होता है, लेकिन उनका यूज उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इसका यही देखना था मुझे कि इतने कम मिल रही है, क्या सच में ये मतलब उतना इफेक्टिव होगी जो बाकी जगह मिल रही है कॉस्टली वो है, ठीक है। तो इतना बड़ा बंडल आता है कुछ ये, और ये टेप ना इस तरीके से होता है, इसमें नीचे भी लगा होता है ऊपर भी लगा होता है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन निकाल देते हैं। मैंने साइड में वीडियो देखो यहाँ पे लगाई है, मैंने एक पाइप काट कर फिर उसको जोड़ कर देखा है। तो आप देखते जाओ बहुत आराम से एक बार में जुड़ गया पानी। मतलब मैंने उसको तभी जोड़ा था, ऐसे नहीं कि मैंने उसको पानी बंद किया था उसके बाद जोड़ा था, उसमें पानी निकल रहा था मैंने उसी टाइम जोड़ा था, क्योंकि टेप का जो स्टिकीनेस होती है ना वो पानी के साथ दूसरे टेप की ख़त्म हो जाती है। तो वही मुझे देखना था, पानी निकल रहा था और निकलते हुए मैंने इसको लगा कर देखा टेप, तो पानी निकलना 100% बंद हो गया। और फिर एक मेरे घर में एक जाली टूटी हुई भी थी, काफ़ी मजबूत लोहे की जाली थी, तो मैंने उसको उससे टेप से चिपकाया और वो इतने अच्छे से चिपक गई, अब बिल्कुल भी हिल तक नहीं रही है, काफ़ी अच्छे से चिपक गई है। तो हाँ, ये वाला टेप अगर आप लेते हो तो बहुत यूज़फुल है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो ख़राब हो रखी हैं, इवन सीलन में भी लोग इसको यूज़ करते हैं, टंकी बकेट जो भी
टूट चुका है बिल्कुल, उसको बिल्कुल 100% सील कर देता है, वहाँ से कुछ भी लीक नहीं होता, कोई डब्बा टूट गया है, कुछ भी टूट गया है, तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो ये टेप भी आप ले सकते हो, ठीक है, और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई होंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये ना वॉलपेपर है, तो आपने इस वॉलपेपर के बहुत सारे वॉलपेपर मीशो पर देखे भी होंगे, आप लोगों में से कई लोगों ने यूज़ किए भी होंगे, तो कहाँ गया, हाँ तो मैंने ये वॉलपेपर ना, मेरी एक वॉल है ना वो सिंक के पास में एक वॉल थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रखी थी क्योंकि उस पर टाइल्स नहीं लगी थी, तो मैंने उस पर लगाने के लिए मंगाया था। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसका यूज़ ना हम जैसे कि अलमारी है पुरानी या कोई भी फर्नीचर है, कोई वॉल है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम में अगर टाइल्स नहीं है तो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से मैं रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट देख के ना सबको ऐसे लगेगा कि मैं इसको अभी बाय कर लूँ। ये वाला है, इसकी पिक्चर देखो, हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा हो, बट मुझे लग रहा था जब कोई भी सब्जी ऐसी मंगाते हैं जिसमें खड़ा मसाला या फिर जैसे छोले में चाय पत्ती यूज़ होती है कलर के लिए वो, तो फिर बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर हम किसी कपड़े में बांध के उसको लगाते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ये वाला प्रोडक्ट, पिक्चर देखो, प्राइस भी उसी में है, तो जैसा पिक्चर में दिख रहा था बिल्कुल वैसे ही आया है। ये छन्नी है, ये छन्नी है, ठीक है। इस तरीके से जो भी खड़े मसाले या फिर हम चाय पत्ती जिसमें जिस भी सब्जी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं उसको इसमें ऐसे खोलकर इसमें डाल दो और फिर ये इसमें लॉक कर दो, और इसको उसमें कुकर में या फिर तपेली में इसको यहाँ पे वो हुक दे रखा है उसको लटका दो, तो जिस चीज़ का फ्लेवर हमें सब्जी में चाहिए वो आ भी जाएगा और जो खड़े मसाले बाद में मुँह में अड़ते हैं वो भी नहीं अड़ेंगे। तो बहुत सही और यूनिक चीज़ है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी मीशो से, बाकी ना अमेज़ॉन पे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट आपने देखा होगा पिक्चर, देखो ये वाला है, जैसे कि इंस्टेंट गर्म पानी चाहिए होता है बर्तन वगैरह अगर धोते हैं या फिर कुछ और किचन में यूज़ करना है गर्म पानी का, तो ये नल में ही लगाना होता है और वहाँ से इंस्टेंट गर्म पानी आने लगता है जो कि हमें नल के प्लग में लगाना है, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा है, इसमें एक नल का ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा ताकि मतलब जब भी हम सेटअप करेंगे तो ये उसमें लग जाए, बाकी जो गीज़र टाइप का है स्मॉल गीज़र इस कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, प्राइस मैंने आपको पिक्चर के साथ ही लगा दिया होगा। ये पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी आई है, तो इसका पूरा सेटअप करना पड़ेगा, ये नल में ही सेट होगा, तो अभी मैंने इसका सेटअप किया नहीं, बाद में कभी करूँगी तो करवाना पड़ेगा वैसे, तो मैं आपको स्टोरी में डाल दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना। ऑन ऑफ़ करने की जगह भी दे रखी है और ऊपर से ये प्लग दे रखा है, काफ़ी हैवी डोरी है, भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और यहाँ से सेट होगा और शायद कुछ ऐसा यहाँ लगेगा ये, और ये नल लग जाएगा तो इंस्टेंट पानी बिल्कुल गर्म आने लगता है, अब जितना भी पानी निकालो इंस्टेंट गर्म निकाल सकते हो लाइट से, ठीक है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्दियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मीशो पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा दोगे तो सिर्फ गर्म ही पानी आएगा, इसमें दो ऑप्शन है दे रखे हैं यहाँ पे, एक तरफ इस तरफ आएगा गर्म पानी इस तरफ करेंगे और इस तरफ करेंगे तो ठंडा पानी जैसे नॉर्मल आपका आता है वो वाला आएगा, लेकिन इसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। वैसे यूज़फुल है प्रोडक्ट, बाकी ले सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अभी भी कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि मैंने यूज़ करके नहीं दिखाया, तो मैं इसको लगवाऊंगी तो एक कम्युनिटी पोस्ट या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट जो है वो ये है, पिक्चर देखो आप इसकी, और मैंने जो शॉर्ट वीडियो देख के लिया था वो वीडियो भी देख लो, ठीक है। तो जैसे पैकेट क्लोज़र आते हैं, एक तो वो क्लिप टाइप के आते हैं कि हम उससे इसको क्लोज़ कर सकते हैं, दूसरा ये आते हैं कि हम ऐसे एकदम पैकेट कोई भी आराम से सील कर सकते हैं। पिक्चर इसकी ये प्राइस भी यहाँ पे लगा दिया है, तो अब देखो इसको कुछ स्टेपल टाइप की आई है, और मैं सही बताऊँ ना तो ये दो आई हैं, मैंने इन दोनों को यूज़ करके, एक तो बिल्कुल 100% डैमेज आई है यहाँ से, ठीक है, और एक थोड़ी सही आई है, लेकिन मैंने इसको यूज़ करके इसको मतलब कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा इसका, मतलब
पता नहीं क्यों बेच रहे हैं ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है अच्छी क्वालिटी में जो थोड़े अच्छे प्राइस में आती हो वो काम करती भी हो, लेकिन इसने बिल्कुल भी काम नहीं करा। ऐसा लग रहा है मैं खिलौना, जैसे बड़े बड़े चीज़ों के जो छोटे छोटे चीज बना देते हैं ना, जब खिलौना टाइप में बच्चों के खेलने के पर्पज से, ये बस वही खिलौना ही है। इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं इसको 3 से 4 बार ट्राई कर चुकी, कोई भी पैकेट अच्छे से सील नहीं हुई और पूरा एक तो डैमेज ही है और ये पूरा निकल गया। अगर आप मीशो से ये वाली चीज लेने की सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत बाय करना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये सर्दियों में ना स्वेटर पे बहुत ज़्यादा रुएं हो जाते हैं, और जब रुएं हो जाते हैं स्वेटर पे क्या बाकी कपड़ों पे भी हो जाते हैं, कभी कभी कपड़ा खराब निकल जाता है तो उसके बाद हम उस कपड़े को पहन ही नहीं सकते, इतने बेकार लगते हैं। तो इसीलिए ये है एक लिंट रिमूवर। मैंने एक और लिंट रिमूवर लिया था, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, अगर आपने देखी हो तो, वो इलेक्ट्रिक नहीं था, जस्ट खींचने वाला था, उससे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खिंच रहा था, इसलिए मैंने इस बार इलेक्ट्रिक लिया और मैंने इसको यूज़ भी किया है। देखो ये इस तरीके का है। और ना मैं बताऊं, अगर कुछ सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट अगर मैं कह सकती हूँ मेरी अभी तक की वीडियो में, तो वो ये है। मतलब काम तो सारे ही हैं, लेकिन इसको यूज़ इतना ज़्यादा, मतलब इतने आपके पुराने कपड़े भी पड़े हों जिसको आपने बिल्कुल ही साइड कर दिया हो रुए की वजह से, वो ये उन कपड़ों को भी पहनाने लायक बना देगा। इससे इतने अच्छे से रुएँ क्लियर होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुराना कपड़ा है, और फिर बाकी जो धागे वगैरह भी निकल रहे होते हैं ना, वो भी आराम से चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना कपड़ा एकदम नया लगने लगता है। मैंने आपको साइड में यहाँ पे वीडियो लगा के दिखाई है, वो देखो कपड़ा कितना अच्छा नया सा लगने लगा, और मतलब शाइन आ जाती है, जो रुए धागे वगैरह सब निकल रहे होते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। मैंने अपने इसको एक सूट को भी क्लियर किया है, बाकी स्वेटर वगैरह जो घर में मेरी पड़ी हुई थी, जिनको मैंने बिल्कुल पहनना ही छोड़ दिया था लिंट की वजह से, तो मैंने उनको भी इसको साफ करके इस तरीके से दे रखा है। इसमें ये प्लग है, डायरेक्ट हमको ये प्लग लगाना होता है, और यहाँ पे ये दे रखी है स्टील की इसकी बॉडी है, साथ में यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन है, और जो जितना भी कचरे इकट्ठा होता है वो यहाँ पे हो जाता है, और फिर इसको इस तरीके से निकाल के कचरे को हटा दो, जो रुएँ वगैरह निकलते हैं, और फिर बाकी दोबारा से इसको लगा लो। प्राइस स्क्रीन पर इसका है ही, और काम ये बहुत अच्छे से कर रहा है। आप मतलब ये वाला प्रोडक्ट तो सबके पास होना चाहिए, इतना ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। बाकी ना जब एक कपड़े में से इसमें रुएं निकाले ना, वो इतना नया सा हो गया, तो घर में मैं ढूंढ ढूंढ के ला रही कि और कौन से कपड़े जिसमें रुएं हो रहे हो मैं निकाल दूं, क्योंकि निकालने में भी बहुत सेटिस्फाइड लग रहा था। ठीक है, परफेक्ट है ये प्रोडक्ट, आप बाय कर सकते हो। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर देखो, मैं ये काफ़ी टाइम से देख रही थी, मुझे समझ नहीं आता ये है क्या, फिर उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा कि ये क्या चीज़ है। तो जो वॉशिंग मशीन में कपड़े कभी कभी अच्छे से साफ नहीं हो पाते, तो ये जब भी हम कपड़े धोने के लिए लगाएंगे तो इनको डाल दो, ये बॉल्स टाइप की हैं। देखो पिक्चर देख ही ली, प्राइस उसी में लिखा है। ये इस तरीके के कोरोना, इनको हम ना कपड़ों में डाल देते हैं जब मशीन में धुल रहे हैं, तो इससे उन्होंने लिखा है कि कपड़े और भी ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। और सच में मैंने यूज़ करके भी देखा है, जहाँ कपड़े मतलब ये बार बार कपड़ों से रगड़ता है ना, तो कपड़े में थोड़ी बहुत जो स्टेन लग रहे हैं जो मशीन में नहीं हो पाते अपने आप, तो इससे क्लीन हो जाते हैं। काफ़ी सारी बॉल मिलेंगी ये, और अच्छी हैं, आप बाय कर सकते हो, क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो ये वाटर ओवरफ्लो अलार्म है। ये जैसे कि हमें टंकी छत पर होती हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कि कब भर गई कब नहीं भरी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे इसको, बट मीशो पे मिल रहा था तो मैंने मंगा लिया। ये इस तरीके की है, हमें इसमें उसी में लगाना होता है टंकी में, तो ये अलार्म बजने लगती है ताकि पता चल जाए कि हाँ पानी भर चुका है, ताकि पानी भी वेस्ट ना हो, और जो भी जिस सोर्स से हम पानी भर रहे हैं तो उसको भी हम बंद कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाती है। तो काफ़ी सही लगा ये प्रोडक्ट, बाय कर सकते हो, यूज़ करके देखा है मैंने। एक ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो ऑलरेडी टंकी में लगा हुआ है, तो ये वाला मैं सिर्फ दिखाने के पर्पस से मंगाया था। वो जो पहले का यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी मीशो से ही लिया है मैंने, सेम चीज़ सेम लिंक से ही लिया था, तो आप ये बाय कर सकते हो, अच्छा है ये प्रोडक्ट। देखो नेक्स्ट ये वाले मैजिक पेन है, मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, इनमें हो सकता है कई लोगों ने बचपन में यूज़ किया हो बट मैंने नहीं किया था। तो इसको ना इसमें लिखते हैं किसी भी पेज वगैरह में, साइड में वीडियो लगा दूंगी, 4 पेन आए हैं तो इससे लिखते हैं, और जैसे हम लिखा है तो दिख भी कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन इसमें लाइट दे रखी है ये वाली,
जैसे ही उस लाइट को उस पर जलाते हैं ना, तो दिखने लगते हैं कि हमने क्या लिखा है। किसी को सीक्रेट नोट अगर भेजना है ना, तो ये पेन उसके लिए काफ़ी सही है। ठीक है, तो चार पेन मिलेंगे ये इतने प्राइस में, तो ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना, ये सुपर क्लीन कंपाउंड है। ये स्लाइम देखी होगी, कार वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे कार में गंदगी हो रही है कहीं पे लैपटॉप में, तो उसको लगा दो और एकदम से क्लीन हो जाता है। प्राइस और जैसे पिक्चर मैंने इसको साइड में लगा ही दी है, ये पूरी फैल चुकी है अंदर। निकाल के दिखाती हूँ, इसमें से बहुत हार्ड खुशबू आ रही है। ये कुछ इस तरीके की रहेगी, तो इससे आराम से कार में जो गंदगी होती है, मैंने साइड में क्लिप लगाई है आप देखो, वो क्लीन हो जाती है। और बहुत सही चीज़ है, मतलब जहाँ हम हाथ से नहीं क्लीन कर सकते, वहाँ हम इस चीज़ से क्लीन कर सकते हैं। गिर के ये भी बाय कर सकते हो, बहुत सही चीज़ है। नेक्स्ट जो देखो, अमीशो के होम पेज पे ये चीज़ हमेशा दिख जाती है, पिक्चर और प्राइस यहाँ पे लगा दिया है। ये स्टेन रिमूवर है, निकल ले भैया, ये इस तरीके से। बट मैंने इसको ना यूज़ करके देखा, रोलर है ये, एक दो चीज़ों पे मैंने स्टेन से निकाल के देखा, बट ये काम नहीं आ रहा है पता है। और इसमें बहुत हार्ड एसिड जैसी स्मेल भी आ रही है। तो अगर किसी ने लिया हो, किसी ने यूज़ करके देखा हो, तो बताना ये आपका काम किया है कि नहीं किया। मेरा तो नहीं किया ये वाला काम। और मैंने पिछले वीडियो में पूछा था ना कि हम ग्रॉसरी हॉल करें क्या, हाँ ग्रॉसरी हॉल कर सकते हैं, मैंने चीज़ें देखी हैं उस पर, बाकी जगह से कम प्राइस में मिल रही हैं। तो हम ग्रॉसरी हॉल ऐसा नहीं करेंगे कि मैं ग्रॉसरी मंगा रही हूँ, आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि ये कैसी है। देखो जो जैसे कि सेम ब्रांड है टाटा, टाटा का नमक बिग बास्केट पे अगर 20 रुपए का मिल रहा है, तो वही मीशो पे 15 रुपए का मिल रहा है। तो मैं आपको वो बताती जाऊंगी कि हाँ ये सेम ब्रांड की सेम चीज़ यहाँ पे महंगी मिल रही है और मीशो पे सस्ती मिल रही है, तो आप बाय कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं मंगा कर बताऊँगी कि हाँ क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है। तो हाँ, बाकी चीज़ अगर मैंने जो नहीं मंगाई वो मैं आपको बता दूँगी कौन कौन सी चीज़ का प्राइस कम है मीशो पे, और साथ में उसका लोकल मार्केट प्राइस क्या है, और दूसरे ऐप पे जैसे जियो मार्ट हुआ, बिग बास्केट हुआ, उन पर इसका कितना प्राइस है, तो मैं ये आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो वही हो। देखो नेक्स्ट, ये इस तरीके के लॉक हैं, ये लॉक है। जैसे कि हमारी जो विंडो होती है ना खिसकाने वाली, उनके लॉक ख़राब हो जाते हैं, हम इंस्टेंट लगवा नहीं पाते, तो ये इस तरीके के लॉक मिलेंगे हमें। ये मीशो पे चार लॉक हैं ये, तो इन्हें सिर्फ चिपकाना पड़ता है, और बाकी जो विंडो आपका लॉक ख़राब हो गया है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और यहाँ से इसमें लॉक ओपन करने के लिए ये जगह भी दे रखी है, तो ये चीज़ सही है। अगर आपको टेम्प्रेरी लॉक नहीं लगवा पा रहे, तो ये वाले लॉक आप लगा सकते हैं विंडो वगैरह में, जो स्लाइडिंग वाली विंडो होती है ना, उनमें ये बहुत यूज़फुल होता है। और फिर दूसरी चीज़, ये देखो कपूर वाला, ये है पिक्चर देखो, और प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो कपूर की जो धीमी धीमी खुशबू अगर हमें चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम कपूर रख सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं, और ये प्लग में लगा दो, तो बहुत भीनी भीनी खुशबू आती रहती है कपूर की। तो ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, मुझे सर्विंग बोल चाहिए था, तो मैंने ये तीन के सेट में मंगाए, 300 कुछ इनका प्राइस है, जिसमें ढक्कन भी है। मैं दिखाती हूँ निकाल के, ये हैं डब्बे, तीन तीन साइज में। सबसे बड़ा साइज इसका ये है, हैंडल दे रखा है, साथ में ये ढक्कन भी दे रखा है। तो ये इस तरीके से पैक हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी है, स्टील अच्छी है इसकी, ले सकते हो ये। और ये तीन दो साइज़ इनके ये हैं, तो ये तीन साइज़ में है, यहाँ पे लग जाएगा, इसमें नट दे रखा है, यहाँ पे लग जाएगा, तो अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छी है, इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत क्यूट सी चीज़ है, मुझे मीशो पे दिखी, ये सारी चीज़ें देख रही थी, तो 1 2 3 4 5 ये 10 क्लिप का सेट है, प्राइस और पिक्चर मैंने लगा दिए, क्लिप की क्वालिटी अच्छी है ये, और ना क्लिप बिल्कुल ये निकल भी नहीं रही, कई क्लिप्स क्या होती है ना ये जल्दी से निकल जाती है, तो क्वालिटी अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही है। और प्राइस स्क्रीन पे लगा दिया, बाकी और कलर में भी अवेलेबल हैं। वॉच मैंने ली थी, लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है, और इसमें कलर और भी अवेलेबल हैं, मैंने ये वाला कलर लिया। तो
ये थी आज की हमारी मीशो की यूनिक प्रोडक्ट हॉल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और अगली वीडियो कौन से प्रोडक्ट्स पे लानी है, किचन रिलेटेड, होम रिलेटेड या फिर कुर्ती हॉल, टॉप हॉल, जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।